आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। द क्वेश्चन इज, डिफाइन ट्रांसयूरेनियम एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। हमें डिफाइन करने हैं ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और हमें टू एप्लीकेशंस लिखनी है ईच फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, ट्रांस यूरेनियम वर्ड को अगर हम ब्रेक करें तो यहाँ हमें दिख रहा है ट्रांस एंड यूरेनियम। यूरेनियम पीरियोडिक टेबल का ही एक एलिमेंट है, विच इज अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। एंड यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर फॉर यूरेनियम इज 92। एंड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स आर द केमिकल एलिमेंट्स होते हैं विथ एटॉमिक नंबर greater than 92. Transuranium elements ऐसे chemical elements हैं जिनका atomic number होता है greater than 92. मतलब uranium के बाद जितने भी elements आएंगे in the modern periodic table, उन सब elements को कहा जाएगा transuranium elements. All these elements, the transuranium elements are all these elements अनस्टेबल क्यों होंगे? हैवी एलिमेंट्स हैं एंड देयरफॉर कैसे होंगे? रेडियोएक्टिव होंगे, इसलिए ये डीके कर जाते हैं। दे डीके रेडियो एक्टिवली इनटू स्टेबल अदर एलिमेंट्स। ये है ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के भी नेम से हमें पता चलता है that D block elements are the elements that belongs to D block. Periodic table में इस तरह से सबसे पहले होता है यहाँ पर S block, then यहाँ होता है D block, and then यहाँ होता है P block. यहाँ पर एक F block भी होता है जो कि periodic table का part है, but F block element जो है उन्हें include इसलिए नहीं किया गया periodic table में to not change the shape of the periodic table. D block elements की हमें बात की गई है. D block elements are the elements belonging to group 3 to 12 in periodic table. यहाँ पर 3 to 12 इन्हें कहा जाता है, ये group 1 है, 2 है, then यहाँ पर 3 to 12 भी कहा जा सकता है and 3B टू 12B भी कहा जा सकता है. आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल. जो लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होता है इन डी सबशेल. उसी तरह जब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है इन एस सबशेल तो उन एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है इन पी सबशेल उन्हें कहा जाता है पी ब्लॉक एलिमेंट. उसी तरह जब लास्ट इलेक्ट्रॉन फिल होता है इन डी सबशेल वो एलिमेंट बिलोंग करता है टू डी ब्लॉक. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. ये जो F ब्लॉक है, यहाँ पर F ब्लॉक है, जो फर्स्ट F ब्लॉक है इसके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो होते हैं इन 4F सबशेल, एंड ये जो नेक्स्ट रो है इसके अंदर फिल होते हैं इन 5F. F ब्लॉक के अंदर जिन एलिमेंट्स का जो वैलेंस सबशेल है वो है 4F, इन एलिमेंट्स को कहा जाता है लैंथेनॉइड्स. दीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स. एंड जिनका वैलेंस सबशेल है 5F, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5F में फिल होते हैं, उन्हें कहा जाता है एक्टिनॉइड्स. हमें इनकी एप्लीकेशन बतानी है. लैंथेनॉइड्स का फर्स्ट यूज है दैट दे आर यूज्ड इन ऑप्टिकल डिवाइसेस. इन्हें यूज किया जाता है इन ऑप्टिकल डिवाइसेस सच एज नाइट विजन गॉगल्स. एंड नेक्स्ट इसका यूज है
इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, इसका यूज है इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग. नेक्स्ट हम देखेंगे यूजेस ऑफ एक्टिनॉइड्स. एक्टिनॉइड्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं. यूरेनियम इज ऑल्सो एन एक्टिनॉइड. एक्टिनॉइड्स यूज किए जाते हैं इन प्लेसेस जहां पर पावर जनरेट करनी हो, जहां पर इनकी रेडियो एक्टिविटी से पावर जनरेट की जा सके. देयर रेडियो एक्टिविटी इज यूज्ड टू पावर डिवाइसेस, डिवाइसेस को पावर देने के लिए, सच एज कार्डियक पेसमेकर्स. कार्डियक पेसमेकर्स एंड सेकेंड यूज इसका है दे आर यूज्ड फॉर डिफेंस ऑपरेशंस. डिफेंस ऑपरेशंस एंड इन न्यूक्लियर वेपन्स. न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है एक्टिनॉइड्स को. दीज आर दी टू एप्लीकेशंस ईच फॉर लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स. थैंक यू. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.